क्या वीडियो नहीं वायरल हुआ, उन्होंने उनके बैनर को एकनाथ शिंदे जी का जो फोटो है बैनर पर बैनर लगाकर जूते मारे, अपने हाथ पे चप्पल लेके उद्धव ठाकरे जी ने ये करामत की। मुझे दया आती है, उद्धव ठाकरे दिल्ली जाते हैं, दो दिन राहुल गांधी के साथ रहते हैं और मुख्यमंत्री बनने की भीख मांगते हैं। उद्धव ठाकरे शरद पवार जी के जाते हैं बार बार और मुझे मुख्यमंत्री बनाओ करके उनके हाथ पांव जोड़ते हैं। उनका एक प्रवक्ता दिन भर बोलता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे चाहिए, उसके ऊपर चुनाव नहीं हो सकता, ये उनका चेला चपाटा बोलते हैं। अब मुझे बताइए, ये स्थिति उद्धव ठाकरे की कर दी है कि उनको मुख्यमंत्री के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है। ये हालत मुख्यमंत्री की जब एक बार इस प्रकार से हालत हो जाती है उद्धव ठाकरे की, जो उद्धव ठाकरे जी मातोश्री में बैठकर हमारी सरकार के समय देवेंद्र जी को जो विकास का काम या जो भी सरकार में चाहिए वो करवा लेते थे, आज उनकी हालत ऐसी है उनको हाथ पांव जोड़ने पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की हालत अब ऐसी बन गई है कि उद्धव ठाकरे कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ऐसी हालत राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने उनकी की है। देखिए, हमारा सभी का ये अभी निर्णय हुआ है कि हम लोग मेरिट पे चुनाव लड़ेंगे। जहां जिनका उम्मीदवार स्ट्रांग है वहां पर निश्चित रूप से हम लोगों का एकमत है, सहमत है, और महाराष्ट्र की सरकार बने ये सहमत है, एकमत है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा, देवेंद्र जी, हम सब लोगों ने ये विचार किया है कि मोदी जी की सरकार 2029 तक देश में है और वो सरकार का महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए अगर केंद्र सरकार की पूरी तरह से मदद लेकर विकास करना है तो महायुति की सरकार चाहिए। इसलिए हम सत्ता पे बैठने के लिए, मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए महायुति की सरकार, डबल इंजन सरकार में सभी लोगों के पास जो जो अच्छे कैंडिडेट है, अच्छे विकल्प है, उनसे चर्चा करके हम लोग अच्छी सीटें देंगे। हमारा ये बंधन नहीं है सबका, हमको इतनी चाहिए, हमको इतनी चाहिए, आंकड़े का खेल नहीं चलेगा, आंकड़े का खेल हम नहीं खेलेंगे, उम्मीदवार का खेल, उम्मीदवार जो अच्छा